हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनोद सोलंकी एंड आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर क्लास सिक्स। क्लास सिक्स का हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कारोस रिवार्ड। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर में एक तारो नाम का लड़का होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है और उनकी जो डिमांड है वो पूरी करता है। इसके लिए तारो को बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है और हार्डवर्क करके ही वो उनकी इच्छा पूरी करना चाहता है। सभी बच्चे जो हैं वो हार्डवर्क करें, कठिन से कठिन परिश्रम करें जिससे कि आप अपना जो टारगेट है, आपने जो अपना जिस फील्ड में कैरियर बनाने के बारे में आपने सोचा है वो आप अचीव कर सकते हो। चलो पढ़ते हैं चैप्टर, इसका नाम है तारोस रिवार्ड। A young woodcutter named Taro lives with his mother and father on a lonely hillside. यानी कि एक युवा लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक वीरान जो हिलसाइड है, पहाड़ी जो इलाका है वहां पर रहता था। वुडकटर होता है लकड़ी काटने वाला, यानी कि जो तारो नाम का जो लड़का है वो लकड़ियां काटने का काम किया करता था। All day long he chopped wood in the forest. यानी कि पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियां काटता था। Chopped का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। Thus, यानी यद्यपि he worked very hard, he earned very little money. यानी कि वो कठिन परिश्रम तो करता था लेकिन उसकी जो कमाई जो थी वो बहुत ही कम थी। Earn होता है कमाई। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. यानी कि इससे जो तारो नाम का जो लड़का है वो उदास हुआ क्योंकि ये जो तारो नाम का जो लड़का है वो काफी thoughtful, यानी कि विचारशील एक पुत्र था और वो चाहता था, वॉन्टेड मतलब चाहता था कि वो अपने जो वर्द जो माता पिता है उनकी जो सभी जो आवश्यकता है उनकी वो पूर्ति करे। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, यानी कि एक शाम जब तारो और उसके जो माता पिता है वो झोपड़ी में, यानी कि अपनी झोपड़ी में एक कॉर्नर में जब वो बैठे थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लू, यानी कि एक जो हवा का जो तेज झोंका या कह सकते हैं कि जो तेज हवा जो है वो चलना प्रारंभ हो गई। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ड एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, यानी कि झोपड़ी में कुछ दरारें थी, कुछ दरारें होने के कारण जो तेज हवा जो चल रही थी उससे सीटी जैसी जो आवाज है वो आ रही थी और सभी जो है यानी कि तारों और तारों के जो वर्द माता पिता है वो ठंड महसूस कर रहे थे। सडनली अचानक तारोस फादर सेड, यानी कि तारोस के पिता ने कहा, आप यहाँ पर देखें कि देखो ओपोस्टिक साइन लगा हुआ है और फिर ऐसा आ रखा है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो ये क्या बताता है कि आपस में इन वर्ड को संबंध बताता है जिसका मतलब होता है कहा के की, जैसे कि मैंने अभी बोला कि तारो के पिता। आगे देखें, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, यानी कि तारो के पिता ने तारो से कहा कि मेरी इच्छा है, विश यानी कि मेरी इच्छा है कि मुझे क्या है कप ऑफ शेक, शेक होता है एक प्रकार का नशीला पदार्थ, यानी कि वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप ये जो शेक है वो मिल जाए। इट वुड वार्म मी, यानी कि इससे मुझे क्या गर्मी मिल जाएगी, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो वर्द जो हृदय है वो अच्छा हो जाएगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, यानी कि यह सुनकर तारो जो है वो पहले से और ज्यादा सैड हो गया, उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक्स कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि तारो के पिता ने जो डिमांड की थी, जिस शेक की डिमांड की थी वो काफी एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव होता है महंगा। हाउ डू आई
अर्न मोर मनी ही आज हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप से प्रश्न किया कि किस प्रकार से मैं जो रुपए हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमा पाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल चेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और वो ये भी अपने आप से प्रश्न करने लगा कि किस प्रकार मैं अपने इस इन वृद्ध पिता के लिए जो ये शेक की जो डिमांड उन्होंने की है वो किस प्रकार लाके उनको दूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने निर्णय लिया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, तो उसने निर्णय लिया कि वो पहले से क्या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारू जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजल, यानी कि सामान्य टाइम से अगली सुबह तारो जल्दी उठ गया, यानी कि नॉर्मली वो अगर 6 बजे उठता था तो वो उससे पहले उठ गया, यूजल होता है सामान्य। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो क्या जंगल के रास्ते पर चला गया, यानी कि जो लकड़ियां वो काटता था वो जंगल में काटता था, तो सुबह नॉर्मली जो टाइम है उसका उससे पहले वो उठा और लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम, यानी कि वो लकड़ियां काटता रहा लगातार जब तक कि जो सूर्य जो है वो ऊपर नहीं उठ गया, मतलब कि दोपहर के समय में जो सूर्य है वो सर के ऊपर आ जाता है। एंड सून, यानी कि जल्द ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, यानी कि काम किया उसने, गर्मी भी ज्यादा हो गई तो वो अब क्या उसको ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी, तो उसने जो जैकेट पहन रखा था वो क्या टेक ऑफ कर दिया, टेक ऑफ का मतलब होता है उतार लिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, और उसका जो मुंह जो था वो सूख गया, यानी कि प्यास लगी उसे। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, यानी कि उसका जो चेहरा जो है वो पसीने से गीला हो गया, वेट का मतलब गीला और स्वेट होता है पसीना। माई फादर ओल्ड फादर ही थॉट, और वो विचार करने लगा कि मेरे प्रिय पिताजी, इफ ओनली ही वॉज एज वॉर्म एज आई, यानी कि वो महसूस करने लगा कि काश या फिर यदि वो भी जिस तरह से मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ वो भी इस गर्मी को महसूस करते। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन अ फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बॉन, यानी कि अब यह सोचकर कि उसको क्या एक्स्ट्रा रुपए कमाने हैं इसलिए वो क्या और तेजी से लकड़ियां काटने लगा, जिससे कि रुपए जब उसको ज्यादा मिलेंगे तो वो क्या जो अपने जो पिता की जो डिमांड है कि उसको शेक पीना है तो वो शेक जब पिलाएगा तो उनकी जो हड्डियां हैं वो वार्म यानी कि गर्म हो जाएगी। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और फिर अचानक तारो जो लकड़ियां काट रहा था उसको काटना बंद किया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हैड, यानी कि यह किस प्रकार की आवाज है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, तो उसने कहा कि ये जो आवाज हो सकती है वो एक प्रकार की जो पानी बह रहा है उसकी हो सकती है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर अ सींग और हियरिंग अ रशिंग अ स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि तारो ने कभी भी, तारो को ना याद आया ना कभी उसने सुना या ना कभी देखा कि जंगल के इस हिस्से में जो पानी जो है वो बह रहा था। ही वॉज थर्स्टी, यानी कि वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड, यानी कि जो हाथ में उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो नीचे गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, यानी कि जिस डायरेक्शन से जिस दिशा से जो आवाज आ रही थी पानी के बहने की उसकी और वो चला गया। तारो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, यानी कि वहां जाकर तारों ने देखा कि एक सुंदर सा जो वाटरफॉल है जो झरना जो है वो पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। हिडन होता है छुपा हुआ, वाटरफॉल होता है
हाँ पानी, जो पानी के जो झरने हैं उनको कहते हैं। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर अफ्लो क्विकली, यानी कि सॉरी क्वाइटली, यानी कि जहां पर जो पानी शांत तरीके से बह रहा था वहां पर वो घुटनों के बल बैठ जाता है। ही कव्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप, यानी कि उसने अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को कप की तरह किया और फिर उसमें थोड़ा सा पानी उसने भर लिया और उस पानी को उसने अपने होठों पर लगाया। वॉज इट वॉटर, यानी कि क्या यह पानी था, और वॉज इट शेक, क्या ये शेक था, यानी कि जब उसने उस बहते हुए पानी को उसने अपनी हथेली में लेकर जब पिया तो उसे लगा कि क्या ये पानी है या फिर क्या ये शेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, यानी कि उसने उस पानी को बार बार पिया, टेस्ट किया और उसे हर बार ठंडे पानी की बजाय उसे स्वादिष्ट शेक ही लगा। अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार, ऑलवेज हमेशा, डेलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, इंस्टेंट यानी कि के बजाय। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप भी इस चैप्टर को आगे पढ़ें और ये फाइंड आउट करें कि आगे क्या होता है। थैंक यू।